हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एम अचीवमेंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए, जैसे कि जेई हुआ, पीएससीज के एग्जाम्स हुए, उन सब में। खासकर एसएससी जेई में आपको पता ही है कि अप्रोक्स 8 से 10 नंबर का ये प्री में पूछा जाता है टीयर वन में एसएससी जेई के, और साथ ही मेंस में भी 20 से 30 मार्क्स का ये आता है। तो आप समझ सकते हैं इसका एसएससी जैसे ही एग्जाम में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, खासकर पीएससीज में भी इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये काफी हद तक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि फील्ड में यूज होता है। अगर ये सब्जेक्ट आपको नहीं आता तो आपको फील्ड में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए जो भी छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं स्टेट्स के, उनमें खासकर ये इन टॉपिक्स पे ध्यान दिया जाता है। खासकर आप देख ही सकते हैं एसएससी जेई जो कि 100 नंबर का टेक्निकल पूछता है, उसमें 8 से 10 नंबर का तो यही सब्जेक्ट पूछ लेते हैं, और ये हर साल का वेटेज है, कभी कभी तो 10-11 तक पहुंच जाते हैं। इस लास्ट ईयर भी हर एग्जाम में जितने भी 3 या 4 एग्जाम्स हुए हैं, सबों में 8 नंबर से ज्यादा का पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं इस सब्जेक्ट का टॉप इम्पोर्टेंस कितना है, ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट कितना है सिविल इंजीनियर के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से ये सब्जेक्ट। इसमें हम बात करेंगे जो कि प्रिलिमिनरी सर्वे होता है, क्या क्या उसमें काम करते हैं, खास साथ ही अपन बात करेंगे कि क्वांटिटी कितनी यूज होगी, कैलकुलेट कैसे करेंगे कॉस्ट में, एस्टिमेट कैसे निकालेंगे, वैल्यूएशन कैसे करेंगे, डिप्रिसिएशन हो रहा है कॉस्ट का तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेंडर कैसे भरना है, कॉन्ट्रैक्ट किस किस टाइप के होते हैं, कौन से ईयर में कौन से लॉज हैं कॉन्ट्रैक्ट के, सब हम इस टॉपिक में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो अब हम फ्रेंड्स जानते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें मतलब कि क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या चैप्टर्स हैं, वो सब हम जानेंगे। तो एस्टिमेशन एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, एस्टिमेशन में हम जानेंगे कि एस्टिमेट कैसे करें, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स में हम जानेंगे जैसे कि मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, केजी किसकी यूनिट होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, क्योंकि इससे कम से कम 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन एसएससी जेई एमपीपीएससी और अदर पीएससीज में इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही फ्रेंड्स, टाइप ऑफ एस्टिमेट, कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, इसमें हम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे, टेंडर्स कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे, साथ ही टाइप ऑफ एस्टिमेट्स की बात करेंगे, किस किस टाइप के एस्टिमेट होते हैं प्रिलिमिनरी, और मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट। तो मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट, इसमें हम बात करेंगे कि बिल्डिंग एस्टिमेट में कौन कौन से मेथड यूज होते हैं और कैसे वो निकालेंगे, हम कैलकुलेट करना भी सीखेंगे यहाँ पे। साथ ही एनालिसिस ऑफ रेट, वैल्यूएशन पता करेंगे कि आफ्टर अ टाइम वैल्यू कितनी घट जाती है, किसी की डेप्रिसिएशन जो होता है उससे किस टाइप कितने टाइप के डेप्रिसिएशन होता है, सब इसमें आएगा। साथ ही जो टॉपिक बच जाएंगे उनकी हम बात करेंगे मिसलेनियस में। तो फ्रेंड्स, हम आते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन पे जो कि है, इट इज़ अ ब्रांच और पार्ट ऑफ सीपीएम विच डील्स विद द मेजरमेंट और कैलकुलेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। इट बेसिकली यूज फॉर कैलकुलेटिंग और एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर हैंडिंग द प्रोजेक्ट और स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब कि जो प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले जो हम कॉस्ट एक कैलकुलेट करते हैं, एक एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं प्रोजेक्ट का कि कितना खर्चा होगा, वही हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। उसके अलग अलग मेथड पढ़ेंगे कि किस किन मेथड से हम वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाल सकते हैं। सेकेंडली, हम कॉस्ट निकालेंगे कैसे, तो कॉस्टिंग होती है रेट ऑफ मटेरियल ऑफ लेबर इनटू क्वांटिटी। जैसे कि मान लीजिए हम लोग 10 मीटर स्क्वायर की एक दीवार खड़ी करनी है, तो हमारे पास रेट ऑफ मटेरियल हो जाएगी, जो रेट ऑफ मटेरियल होगी, साथ ही साथ लेबर होगी अपने पास, और उसमें क्वांटिटी इनटू कर देंगे तो उसको अपन को मिल जाएगी कॉस्टिंग। साथ ही जो रेट्स होते हैं लेबर के, मटेरियल्स के, वो हमारे पास होते हैं एसओआर में, जो कि एक बुक है शेड्यूल ऑफ रेट्स, जो कि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पब्लिश की जाती है। ये हर थोड़े सालों में
अपडेट भी होती है, जैसे कि महंगाई के साथ साथ लेबर कॉस्ट इंक्रीज होता रहता है, तो उसी हिसाब से इनमें इसमें अपग्रेडेशन होता रहता है। तो फ्रेंड्स, हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर, जो कि है एस्टिमेशन एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो अपन पहले बात करते हैं एस्टिमेशन की। तो एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबल कॉस्ट को। ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं बताता कभी भी, ये एक प्रोबेबल कॉस्ट बताता है कि क्या खर्चा अपना प्रोजेक्ट में हो सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले होता है। हम पता करते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं कि अप्रोक्स इतना खर्चा होगा हमारा, 10 करोड़ खर्च हो सकता है इस प्रोजेक्ट में, तो हम एस्टिमेट लगाते हैं। ये नहीं कि एकदम प्रॉपर यही एस्टिमेट हो जाएगा तो यही एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कॉस्ट जो हमने एस्टिमेट किया वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इट्स ओनली अ एस्टिमेट। सेकेंडली, कॉस्ट दो प्रकार की होती हैं, जैसा कि मैंने बताया, एस्टिमेटेड और एक्चुअल और फाइनल, जो कि प्रोजेक्ट के ख़त्म होने के बाद जो कॉस्ट आएगी वो होगी एक्चुअल और फाइनल कॉस्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट तो ख़त्म ही हो गया, आप जितना भी खर्चा हुआ आप कैलकुलेट कर लो। और ये हो गई एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो कि हमने प्रोजेक्ट के पहले पर निकाली। और जो एक्चुअल कॉस्ट और फाइनल कॉस्ट होती है, ये एग्जैक्ट होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, सब कुछ काम अपना हो गया, मेंटेनेंस का भी अपन को खर्चा पता पड़ गया, तब अपन को पता पड़ेगी एक्चुअल कॉस्ट इतनी है इस प्रोजेक्ट की, ठीक है। साथ ही जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है वो होती है, उसको अपन निकालते हैं इस फॉर्मूले से, एस्टिमेटेड कॉस्ट इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेस इनटू रेट। और रेट अपन कहाँ से पता करेंगे? एसओआर से, जो कि पीडब्ल्यूडी निकालती है। इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एसओआर कौन पब्लिश करता है, तो पीडब्ल्यूडी एसओआर को पब्लिश करती है, जिसमें कि क्वांटिटी होती है, रेट्स होते हैं मटेरियल्स के और लेबर के। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मेजरमेंट्स की, जो कि होती हैं मीटर, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। और साथ ही जो मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि आपको कॉन्ट्रैक्टर परसेंटेज और कंटिजेंसीज याद होनी चाहिए, वो भी याद होनी चाहिए। साथ में इसमें मीटर में क्या क्या होंगे वो याद होने चाहिए, ऐसे ही मीटर क्यूब में। इन सब के जो भी एग्जांपल्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, तो आपको सबके एग्जांपल्स याद होने चाहिए। जैसे आपको अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे याद होता है, वैसे ही आपको इनके एग्जांपल्स याद होने चाहिए, क्योंकि वो उससे ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको कम से कम आपको हर एग्जाम्स में 1 से 2 नंबर तक का लॉस हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि इन चीज़ों को याद रखना कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करते हैं, जैसे कि मीटर की बात है, तो हम पाइप की जब मेजरमेंट लेते हैं तो वो रनिंग मीटर में यूज़ करते हैं, तो ये हो गया उसके लिए मीटर स्क्वायर। जैसे फ्लोरिंग की बात करते हैं, जब हम फर्स्ट फ्लोर फ्लोरिंग की बात करते हैं या फिर दीवार की बात करते हैं, तो ये सब एरिया में आती है। वॉल्यूमेट्रिक, जब हम कॉन्क्रीट ये सब जब मेज़र करते हैं, मैशनरी मेज़र करते हैं, तो आता है ये। साथ ही नंबर्स की बात करते हैं, जैसे कि हम ब्रिक्स की बात करते हैं, तो हम ये तो बोलते हैं ये कि 5 किलो ब्रिक ले आओ, यही बोलते हैं ना कि 500 ब्रिक ले आओ, 1000 ब्रिक्स ले आओ, तो नंबर्स की बात करते हैं। साथ ही केजी और क्विंटल्स में बात करते हैं, जो कि होता है ग्रेविमेट्रिक, मतलब कि जो तौला जा सके, तो हम उसमें बात करते हैं स्टील की, क्योंकि स्टील को हमेशा हम क्विंटल में ही करते हैं। आप हमेशा याद रखना, स्टील के लिए हम क्विंटल यूज करते हैं, ना कि केजी। वो स्टील के लिए क्या मेजरमेंट होती है, तो उसमें केजी भी आपके लिए ऑप्शन होगा, क्विंटल भी आपके लिए ऑप्शन होगा, तो आपको क्विंटल क्लिक करना है। साथ ही हम बात करते हैं लंप सम की, तो ये परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, हम जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं कि प्लम्बर के लिए जो सेंशन होगा वो हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, लंप सम में आ जाएगा। जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होती हैं वो सब लंप सम में आती हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि मीटर में क्या होगा, मीटर स्क्वायर में क्या होगा, इसके जो एग्जांपल होंगे वो मैं बताऊँगा, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एक एक करके, मीटर, मीटर स्क्वायर, ऐसे मीटर क्यूब, नंबर, सब सारे
सारी क्वांटिटीज की, तो पहले बात करते हैं मीटर, इसको रनिंग मीटर भी बोल देते हैं। और आप ये ध्यान रखें, मैं यहाँ पे पूरा बोर्ड 5-10 बार भर सकता था, लेकिन मैं उतने ही लिखूंगा जो एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन्हीं पे ज़्यादा ध्यान दें, ये नहीं कि भर दिए बस पेज के पेज भरने हैं और कोई मतलब नहीं है। आप वही एग्जाम्पल्स पढ़ें, वही उन्हीं को याद रखें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। तो मैंने वही एग्जाम्पल रखे हैं जो कि है, जैसे कि पाइप हो गया, सीलिंग्स हो गया, सील्स हो गया, थ्रेडिंग हो गया, ऑर्नामेंटल वर्क हो गया, स्कार्टिंग हो गया, ये आ गया मीटर में। तो आपको ये ध्यान रखने हैं, वैसे मीटर से इतने पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी आपको ध्यान रखने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये दोनों, ये और ये, हनीकॉम्बिंग ब्रिक वर्क, हाफ ब्रिक वर्क वॉल, ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर आता कॉपिंग वर्क, डेडो, रोलिंग शटर, ये भी पूछ लिया जाता है, और आरसीसी शीट। आपको ये ध्यान रखना है, तो जीआई शीट होती है वो अपन केजी में मापते हैं, और जो एसी शीट होती है वो हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। साथ ही स्ट्रेस पेंट जो होता है, कोलेप्सिबल गेट या चैनल गेट जिसे हम बोलते हैं, वो भी मीटर स्क्वायर में आता है। जाली आरसीसी स्लैब जो कि 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक का होगा, उसे हम मेजर करेंगे मीटर स्क्वायर में। 15 सेंटीमीटर तक ही डेप्थ को अपन मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर में करते हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर डेप्थ हो जाएगी तो हम उसे मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। ऐसे ही आरसीसी सनशेड होता है। सनशेड क्या होता है, जो खिड़की के ऊपर जो हम वो एक थोड़ा सा एरिया दे दे जिससे कि सन की जो सनलाइट होती है वो ना आए, उसको बोलते हैं सनशेड। तो आरसीसी का जो सनशेड होता है उसे भी हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। साथ ही ये जो 2.5 लिखा हुआ है, 2.5 थिक सीमेंट कॉन्क्रीट और लाइम कॉन्क्रीट, 2.5 सेंटीमीटर की थिकनेस की जो सीमेंट कॉन्क्रीट या लाइम कॉन्क्रीट होती है वो भी हम मीटर स्क्वायर में करते हैं। अगर इससे ज़्यादा थिकनेस हो जाएगी तो फिर वो मीटर क्यूब में आ जाएगी। तो ये सब एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखें, ज़्यादा फालतू के एग्जाम्पल पर मत जाएं, क्योंकि वो पूछे ही नहीं जाएंगे, या पूछे जाएंगे तो मतलब 100 साल में एक बार पूछ जाएंगे यार, अब तुम उनको कैसे याद रख सकते हो। इनको याद रखो जो फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। अब जो 100 साल में एक बार पूछा जाए तो उसको याद करने, ऐसे तो हजारों एग्जाम्पल हैं। अगर एग्जामिनर को आपकी लेनी ही है अच्छे से तो वो कुछ भी पूछ लेगा, जो आपने सुना भी नहीं होगा वो पूछ लेगा। लेकिन हम तो वो पढ़ेंगे ना जो वो पूछता रहता है। तो अब ये सारे वही एग्जाम्पल्स हैं, और अब मैं बताता हूँ आपको मीटर क्यूब और अदर मेजरमेंट यूनिट के बारे में। पता नहीं है तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। आप फिर बेसिक टर्म्स का पहले तो पता करें, फिर प्रिपरेशन करें एग्जाम की। बेसिक सिविल में टर्म्स क्या होती है, क्योंकि इस तरीके से मैं हर चीज़ को यहाँ पर बता नहीं सकता कि स्टेप होल्डिंग क्या होगा। ये सब चीज़ें आपको खुद पता होनी चाहिए, आप एक सिविल इंजीनियर बन चुके हैं या तो बनने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। और अब बात करते हैं कि नंबर्स में क्या क्या क्वान्टिटी अपन मेजर करते हैं। तो जैसे कि वाटर क्लोज़ेट हो गए, वाटर बेसिन हो गई, वाटर वर्क्स हो गए, ट्रैप्स हो गए, ब्रिक्स हो गए, और सीमेंट जो नंबर ऑफ बैग होते हैं सीमेंट के, वो भी हम नंबर में ही मेजर कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। और साथ ही एक जो ब्रिक बैग होता है उसका वॉल्यूम होता है 3.35.5 लीटर, ये आपको ध्यान रखना है। अप्रॉक्स होता है कैलकुलेशन में, लेकिन ज़्यादातर मैं यही यूज़ करना है। और उसका वेट होता है 50 kg। आपको ये याद होना चाहिए कि कितने लीटर वॉल्यूम होता है
कितने लीटर वेट होता है, वो कितना वेट होता है सीमेंट का, तो ये कई कैलकुलेशन में इन दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं लीटर क्विंटल और केजी की। तो लीटर में सप्लाई ऑफ पेंट की, जो पेंट सप्लाई होता है वो लीटर में होता है, ठीक है, उसकी मेजरमेंट हम लीटर में करते हैं। और भी कुछ क्वान्टिटीज हैं लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उनकी बात नहीं करूँगा। साथ ही अगर पॉइंट क्विंटल की बात करते हैं तो क्विंटल में आती है जी आई शीट। लाइम जैसे कि हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लाइम का यूज़ करते हैं तो वैसे ही लाइम क्विंटल में मेजर होता है, ठीक है। स्टील और आयरन पर जिसकी एक्यूरेसी होगी 5 mm तक की, ठीक है, तो वो हम होगा क्विंटल में। कभी कभी कुछ कुछ एग्जाम्स के आंसर जब आते हैं तो उसमें फास्टनर और बोल्ट में को भी क्विंटल में लिया जाता है, लेकिन SSC और थोड़े कुछ जो PSC है जैसे MPPSC हुआ, UPPSC हुआ, वो KG में ही लेता है इसको, तो आप KG में ही इसको याद रखें। अगर KG ऑप्शन में नहीं है तो आप क्विंटल लगाएंगे, ठीक है। अगर KG ऑप्शन में है तो आप फास्टनर और बोल्ट के लिए KG यूज़ करेंगे। वाइट सीमेंट का जो एक बैग होता है वो होता है 5 kg का। जैसे कि सीमेंट का जो नॉर्मल सीमेंट होती है पोर्टलैंड सीमेंट उसका होता है 50 kg का, जो वाइट सीमेंट का होता है 5 kg का। एक्सप्लोसिव जो यूज होते हैं जब अपन टनलिंग करते हैं उसको भी केजी में मेजर करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स थोड़ी देर पहले जब मैंने बताया था कि कॉपिंग जो अपन मीटर स्क्वायर में करते हैं, लेकिन जब हम पैरापेट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो कॉपिंग होती है वो मीटर में मेजर करी जाती है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि कभी कभी ये ऐसे छोटी छोटी चीज़ें भी कभी कभी जो एग्ज़ाम वाले होते हैं, जो एग्जामिनर होता है, वो आपकी रेल बनाने के लिए इन शॉर्ट वो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ पूछ लेता है जो कि बहुत कम लोगों को पता होती है। तो फ्रेंड इस चीज़ को याद रखें कि पैरापेट में मीटर में मेजर करते हैं कॉपी को। तो फ्रेंड ऐसे ही मैं लेक्चर डालूंगा और हर लेक्चर में कम से कम एक मार्क्स की तो मैं चीज़ बताऊंगा ही, तो आप मेरा हर लेक्चर देखें। साथ ही जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा रहा हूँ आप उसको जरूर नोट जरूर बनाएं, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो सब हवा हवाई हो जाएगा। दो दिन बाद आप जब पढ़ेंगे तो कुछ नहीं पता पड़ेगा, और साथ ही जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब भी टाइम मिलता है तो उसको रिवाइज जरूर करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पिछली चीज़ें भूल जाते हैं। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए छोटी छोटी, क्योंकि आप कहीं भी छोटी चीज़ भूलते हैं तो आपको आगे के टॉपिक्स में वो प्रॉब्लम आएगी। तो आप हर लेक्चर को जब आप दूसरा लेक्चर देखें तो थोड़ा सा अपने नोट्स को पलट लें, जो आपने नोट्स बनाए और नोट्स जरूर बनाएं, भले ही कैसी भी हैंडराइटिंग में बनाए, रफली बनाए, कैसे भी बनाए, लेकिन नोट्स बनाए। जैसे मैं जब पढ़ता था तो मैं अपने नोट्स कभी भी फेयर कॉपी में वाइट कवर के पेज पे नहीं बनाता, क्योंकि वाइट कवर के जब पेजेस पे आप लिखते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए तभी आपको फील आता है। लेकिन अगर आप रफ कॉपी में लिखोगे, कैसी भी हैंडराइटिंग लिखोगे, रफली एकदम कि कुछ समझ में ही नहीं आया, बस खुद को समझ में आया, तो आप उसमें आपको आराम से लिखने की, 10 पेन यूज़ करने की, रेड ब्लू ग्रीन ये सब यूज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपको अपने नोट्स जो होते हैं वो आप खुद अपने लिए बनाते हैं, ना कि दुनिया के लिए। तो आप एक ऐसे नोट्स बनाएं जो जल्दी बने, आपको पढ़ने में आए और आप जल्दी बना सकें उनको, सीधी सी बात है। नहीं तो आप लगे हुए हैं 2-3 दिन तक नोट्स ही बनाने में, अलग अलग पेन्स यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, कोई ऐसा नहीं करना। आपको नोट्स बनाने हैं, अच्छे से बनाने हैं, बस आपको समझ में आया, बस ऐसे नोट्स बनाइए दुनिया के लिए। बस सोचिए कि मेरा दोस्त भी पढ़ लेगा इन नोट्स से, वो मेरे नोट्स से जॉब्स करा लेगा। आप अपने लिए टाइम दे रहे हैं यहाँ, अपने लिए आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, ना कि अपने दोस्त या किसी और गर्लफ्रेंड के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें, ये नहीं कि हम उसको नोट्स दे देंगे उसकी भी भलाई मिलेगी, उसको भला करना हो तो खुद पढ़ लेगा। तो आप नोट्स जरूर बनाएं और साथ ही साथ हर लेक्चर को ध्यान से देखें, क्योंकि हर लेक्चर में कम से कम मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि पूरा सब्जेक्ट 10 लेक्चर में घंटे में निपटा दूँ, मतलब तो 5 घंटे में आप हर लेक्चर में कम से कम एक मार्क्स की चीज़ जरूर पाएंगे अपने SSC JEE एग्ज़ाम के हिसाब से। तो SSC JEE के हिसाब से ये थोड़े मैंने उसी हिसाब से थोड़े बनाए हैं अपने लेक्चर्स, जिससे कि SSC में का जो एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हुआ है वो जब होगा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि लेक्चर्स एस्टिमेटेड कॉस्टिंग के कहीं मिलते नहीं हैं, तो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, ना ही नोट्स मिलते हैं, और नोट्स मिलते भी हैं तो उनमें भर के चीज़ें लिख लेते हैं, कुछ भी लिखा रहता है, कोई मतलब ही नहीं है।
तो इसलिए आप उतना ही पढ़ें जितना आपके काम का है, जितना आपको मार्क्स देगा, और जितना जल्दी आप रिवीजन कर सकेंगे उसका ये भी फायदा होगा, जितने छोटे नोट्स होंगे उतनी जल्दी आप। तो फ्रेंड्स मेरे लेक्चर्स को जरूर देखें, फिर देखें, और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर मैंने तो अच्छा लगा हो पढ़ाई कर कि मैंने अच्छा पढ़ाया हो, या फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को अगर आपको ठीक लगा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।